Hello everyone, I'm Akhilesh Kumar Srivastava. In today's lecture, we are going to discuss about some of the questions which has been asked in the AKTU examination. So here is a question. It says that a context-free grammar G is given by the following productions. E produces E plus E, E produces E minus E, E produces E multiplied with E, E produces E cap E and N, where N produces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Determine whether the grammar G is ambiguous or not. If ambiguous, then construct an unambiguous grammar equivalent to G. So this is a very simple question. हम लोगों ने last time पे ये discuss किया था कि किस तरह से हम ambiguity को resolve करते हैं और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम test करते हैं कि किसी grammar कोई grammar ambiguous है या नहीं. So just recall करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी grammar से दो left most derivations possible हैं. So if two left most derivations are possible, then we will say that the grammar is ambiguous. So, अगर हमारे पास दो तरह के derivations होते हैं, एक left most derivation होता है, एक right most derivations होता है, लेकिन left most derivation में हम जब strings को इस जब हम किसी sentential form को देखते हैं या किसी intermediate string को देखते हैं during the derivation और उसमें हमें पहला या left से पहला जो भी symbol मिलता है non-terminal हम उसको किसी production के right hand side से remove कर देते हैं या उसको replace कर देते हैं. इसी तरह से हम लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन करते हैं. राइट मोस्ट डिराइवेशन में जस्ट इसका उल्टा होता है कि हम राइट हैंड साइड से देखते हैं, सेंटेंशन फॉर्म में राइट हैंड साइड से देखते हैं, जो भी पहला सिंबल मिलता है नॉन टर्मिनल हम उसको किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर देते हैं. एम्बिगिटी को टेस्ट करने के लिए अगर हमारे पास दो लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन पॉसिबल है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रामर है वो एम्बिगस है. एम्बिगिटी डज नॉट रिलेट टू द राइट मोस्ट डिराइवेशन. सो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एम्बिगिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन करना है या फिर हमें लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन ट्री बनाना है. सो हम एक स्ट्रिंग अज्यूम कर लेते हैं इस ग्रामर का जिसमें कि ये सारे सिंबल्स हो, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और कैप. कैप का मतलब यहाँ पे है एक्सपोनेंशिएशन. तो एक एक्सप्रेशन हम अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है 2 + 3 - 4 × 5 raised to the power 6. लेट्स से हमने ये अज्यूम किया कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं या हम डिराइवेशन के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स से मेरे पास जो पहला प्रोडक्शन है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई है. सबसे पहले इसका एक्सपेंशन कर देते हैं. लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन में ये वाला पहला सिंबल है और इसको हम लेफ्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको मैं ई प्रोड्यूसेस ई कैप ई से हम ऐसे इसको रिजॉल्व कर देते हैं. सो इसके बाद ये जो लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन के थ्रू हम लेफ्ट मोस्ट ई सिंबल को रिजॉल्व करते हैं. लेट्स से ये हमारा गिवन है ई प्रोड्यूसेस ई मल्टीप्लाइड विद ई से. इसको हमने एक्सपैंड कर दिया है. फर्दर हम क्या करते हैं कि ये जो ई प्रोड्यूसेस ई मल्टीप्लाइड विद ई है इसमें जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमारा है ये वाला हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं और लेट्स से हम इसको एक्सपैंड करते हैं ई प्रोड्यूसेस ई माइनस ई से. फिर इसके बाद हमारे पास ये जो ई वाला सिंबल है लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इसको हम फर्दर रिजॉल्व करते हैं ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई से रिजॉल्व कर देते हैं. एंड देन उसके बाद ये जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल ई है इसको हम एन में कन्वर्ट कर देते हैं डेराइवेशंस के थ्रू. एंड ये जो एन है इसको हम 1 by 1 रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. सो एन को हम सबसे पहले 2 लिख देते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्शन रूल में ये गिवन है ई प्रोड्यूसेस एन. एक काम करते हैं ये सारे प्रोडक्शन को हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं. सो ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, E produces E minus E, E produces E multiplication E, E produces E cap E, मतलब कि exponent E, and E produces N, and N produces 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9. लेफ्टमोस्ट डिराइवेशन पे अभी हमने एन तक रिजॉल्व कर लिया है जिसको एन को हमने 2 कर दिया है. नेक्स्ट हमारा ये वाला सिंबल आता है इसको हमें रिजॉल्व करना है. तो लेट्स से वी आर रिजॉल्विंग इट बाय ई प्रोड्यूसेस एन एंड देन लेट्स से एन प्रोड्यूसेस 3. सिमिलरली लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन में हमें ये वाला ई सिंबल मिलेगा इसको रिजॉल्व करते हैं. लेट्स से ई प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस 4. सिमिलरली अब ये वाला हमारा लेफ्ट मोस्ट सिंबल है इसको हम रिजॉल्व करते हैं. सो दिस इज ई प्रोड्यूसेस एन एंड लेट्स से एन प्रोड्यूसेस 5. एंड देन ये वाला सिंबल रिजॉल्व करते हैं इसमें ई प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस 6. इसको अगर हम रीड आउट करने की कोशिश करें रूट नोड से ट्रेवर्स करके हम लेफ्ट मोस्ट जाते हैं एंड देन 2 हमें मिलता है. 2 मिलने के बाद
टर्मिनल सिंबल्स की बात करें तो प्लस मिलता है, और प्लस के बाद थ्री मिलता है, थ्री के बाद हमें यहाँ माइनस मिलेगा, माइनस के बाद देन फोर है, फोर के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फोर फाइव है, फाइव के बाद हमें एक्सपोनेंट मिलता है, और एक्सपोनेंट के बाद हमें सिक्स मिलता है। तो इस तरह से जब आपने देखा तो आपको एक्सप्रेशन वही मिला जो आपके पास ओरिजिनली गिवन था। तो आपने जो लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन ट्री बनाया है वो सही बनाया है। और इसके अलावा हम एक और ट्राई मार लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक और डेरिवेशन ट्री बना लें इससे। अगर एक और डेरिवेशन ट्री पॉसिबल होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। भाई हम कोशिश करते हैं, और लेट्स से हमने ई प्रोड्यूसेस ई मल्टीप्लाइड विद ई से स्टार्ट करना है, लेट्स से। सो हम इसी से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेंशन। सो ई प्रोड्यूसेस लेट्स से ई मल्टीप्लाइड विद ई, लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमारा है ये वाला ई, इसको हम एक्सपैंड करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, लेट्स से ई प्रोड्यूसेस ई माइनस ई से हम एक्सपैंड कर देते हैं, लेफ्ट मोस्ट सिंबल हमारा ये वाला है, लेट्स से हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई से, ये जो सिंबल हमारा है इसको एक्सपैंड करते हैं, ई प्रोड्यूसेस एन, लेफ्ट मोस्ट में एन है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ई प्रोड्यूसेस एन, और एन प्रोड्यूसेस 0 और 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ 9 तक है, इसको एन को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। देन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में नेक्स्ट सिंबल ये वाला ई है, जिसको हम रिप्लेस कर देते हैं एन से, और लेट्स से एन प्रोड्यूसेस 3 है यहाँ पे। सो वी आर सिंपली गेटिंग 2 प्लस 3 हियर, एंड देन माइनस है, तो इसके बाद इस ई को हम रिजोल्व करते हैं ई प्रोड्यूसेस एन से, और फिर इस एन को रिप्लेस कर देते हैं 4 से। सो वी हैव अप टू नाउ वी हैव ऑब्टेन 2 प्लस 3 माइनस 4, देन मल्टीप्लीकेशन है, इस ई को हम फर्दर रिजॉल्व कर देते हैं, लेट्स से ई अपर केस ई सॉरी ई कैप ई, मतलब कि ई एक्सपोनेंट ई, लेफ्ट मोस्ट सिंबल ई ये वाला है, इसको रिजॉल्व करते हैं, ई प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस 5, एंड देन लेफ्ट मोस्ट सिंबल ये वाला ई है सबसे लास्ट वाला ई, ई प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस 6। सो आई थिंक दैट इट इज जनरेटिंग द सेम एक्सप्रेशन दैट यू हैव टेकन। सो 2 प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन 5 एंड देन कैप 6। सो इट मीन्स वी हैव डिराइव द सेम स्ट्रिंग। सो देर आर टू डिफरेंट डिराइवेशन ट्रीज आर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रिंग, सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द ग्रामर इज एम्बिगुअस। So this grammar is ambiguous because there were two leftmost derivation trees were possible for this. I again repeat that if you are getting a one leftmost derivation tree and one rightmost derivation tree, so that does not prove that the grammar is ambiguous. So grammar will be ambiguous only if you are getting two leftmost derivation trees. Fine. So here we are getting two leftmost derivation trees. फाइन। सो अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ग्रामर तो एम्बिगुअस है, आप इसको ग्रामर तो एम्बिगुअस है, आप इसको अनएम्बिगुअस बना दीजिए। सो ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है, आइए उसको हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिंबल्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और एक्सपोनेंट, ये चार सिंबल्स मेरे पास हैं, और ये जो चार सिंबल्स हैं इनकी प्रायोरिटी अगर हम डिसाइड करें तो प्रायोरिटी होती है नंबरिंग अगर हम करते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंट की होगी, मल्टीप्लीकेशन की दूसरी प्रायोरिटी होगी, प्लस और माइनस की प्रायोरिटी को हम सेम मान सकते हैं। सो लेट्स से हमने दोनों को 3 नंबर दे दिया। अगर हमें ये डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी ज्यादा वाले मैंने पहले ज्यादा प्रायोरिटी वाले एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले पार्ट को हम इवेलुएट करें या उसका कन्वर्जन करें, एंड देन उससे कम प्रायोरिटी वाले को करें, एंड देन सबसे कम प्रायोरिटी वाले को करें, तो उस केस में जब एक्सपेंशन हमारा हो रहा है या जो हम डिराइवेशन कर रहे हैं तो डिराइवेशन में ये वाले ऑपरेटर्स जो है लोएस्ट लेवल पे आने चाहिए हमारे ट्री में। तो लोएस्ट लेवल में आने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये हमारे जो सिम्बल्स हैं उनके एक्सपेंशन सबसे लास्ट में हो, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें एक चीज और ध्यान देना है, एसोसिएटिविटी रूल को भी हमें डिफाइन करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 प्लस 3 प्लस 4, सो यहाँ पे इसका ये मीनिंग है कि ये जो पहला वाला प्लस ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी दूसरे वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि हम 2 प्लस 3 पहले परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद फिर +4 परफॉर्म करेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो प्लस ऑपरेटर है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव लेफ्ट लेफ्ट एसोसिएटिविटी को शो करने के लिए हम लेफ्ट रिकर्सिव हम ग्रामर बनाएंगे। सबसे पहला काम हम यही कर देते हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक रूल लिखते हैं,
ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो अगेन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डेरिवेशन ट्री बनाए, सो हियर इज ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, देन रिवर्स रिजॉल्व करेंगे एक प्लस और है तो ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी। अगर हम 2 + 3 + 4 वाला ही बनाना चाहें तो हम कहेंगे कि ई प्रोड्यूसेस एन हियर विच प्रोड्यूसेस 2, देन टी प्रोड्यूसेस एन हियर एन, लेट्स से एन प्रोड्यूसेस 3 एंड देन टी प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस 4। सो यहाँ पे 2 + 3 एंड देन 4। सो इस केस में हमने ये वाला जो प्लस है वो लोएस्ट लेवल में है और ये वाला जो प्लस है वो अपर लेवल में है। इसी तरह से हमने इंश्योर किया कि 2 + 3 हमारा पहले परफॉर्म हुआ एंड देन प्लस 4 हमारा बाद में परफॉर्म हुआ। तो इस तरह से हमने ये इंश्योर किया कि लेफ्ट रिकर्शन के थ्रू जब एक्सपेंशन हम करेंगे किसी ट्री में तो उस केस में एक्सपेंशन के दौरान लोएस्ट लेवल में आना चाहिए हमारा सिंबल वो वाला जिसको हमें रिजॉल्व पहले करना है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो एक्सप्रेशन है वो जरूरी नहीं कि उसमें प्लस हो ही, हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन में केवल मल्टीप्लीकेशन हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टी प्रोवाइड कर दिया। सो दिस टी मीन्स अब हम एक्सप्रेशन अपना इसी से स्टार्ट कर सकते हैं, इस टी से। सो लेट्स से दिस टी प्रोड्यूसेस ई सॉरी टी मल्टीप्लीकेशन एफ। सो नाउ हमने ये माना है यहाँ पे कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, अगर आपके पास 2 × 3 × 4 हो तो पहले 2 × 3 परफॉर्म होगा एंड देन जो इसका आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। सो यहाँ पे भी हम लेफ्ट रिकर्शन के थ्रू इसको ग्रो कराएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एफ लिख देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं कि प्लस या मल्टीप्लीकेशन हमारे एक्सप्रेशन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे एक्सप्रेशन में केवल एक्सपोनेंट हो। तो एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए एक बार हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से 2 raised to the power 4 raised to the power 3 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 raised to the power 4 raised to the power 3। और यहाँ पे सबसे पहले 4 raised to the power 3 को हम इवेलुएट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 के पावर में लगा देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 4 raised to the power 3 है इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है देन दी 2 raised to the power 3। इसका मतलब ये है कि हम जब ये ऑपरेटर लें, ये जो ऑपरेटर उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं तो मान रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर है वो राइट एसोसिएटिव, किसी भी राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर को ग्रामर के फॉर्म में अगर हमें शो करना है तो हमें ग्रामर में राइट एसोसिएटिविटी रूल या राइट रिकर्सिव ग्रामर हमें बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि दिस इज जी मल्टीप्लाइड विद एफ, फाइन। सो दिस इज कि हमने एफ को राइट की तरफ लगाया। साथ ही साथ हो सकता है कि हमारे सॉरी नॉट मल्टीप्लीकेशन, दिस इज क्या, सो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा हो सकता है उसमें प्लस भी ना हो मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो, हो सकता है कि वहां पे केवल एक सिंबल हो, केवल एक कांस्टेंट हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे एफ प्रोड्यूसेस लेट्स से हमने एन कहा एंड देन हम कह सकते हैं कि एन प्रोड्यूसेस 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9, फाइन। अभी हमने सब कुछ बनाया लेकिन हमने माइनस के लिए नहीं बनाया। अभी हमने ये अज्यूम यहाँ पे किया, ये किया है कि प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है और प्लस भी लेफ्ट एसोसिएटिव है और माइनस भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी जैसे हमने प्लस के लिए बनाया है वैसे ही हम माइनस के लिए भी ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी एक्सपैंड कर लेते हैं, बना लेते हैं इसमें। तो ई प्रोड्यूसेस ई माइनस टी, सिमिलरली लास्ट में हम टी को लगा देंगे। सो ये जो ग्रामर हमने बनाया है इस ग्रामर के थ्रू हमने ये इंश्योर किया है कि एम्बिगिटी नहीं है और केवल एक ही डिराइवेशन ट्री बनेगा किसी भी एक्सप्रेशन को आप अगर पिक करेंगे। तो मैं एक बार फिर से समराइज करूं कि अगर हमें लेफ्ट एसोसिएटिविटी प्रोवाइड करनी है तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर लिखना पड़ेगा, अगर हमें राइट एसोसिएटिविटी प्रोवाइड करनी है तो राइट एसोसिएटिव ग्रामर लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट के केस में किया। एक्सपेंशन के दौरान अगर किसी सिंबल की प्रायोरिटी ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम एक्सपेंशन जब करेंगे इस ग्रामर का, जब हम डिराइवेशन करेंगे तो लोएस्ट लेवल में हमारा ये सिंबल अपियर होना चाहिए जिससे कि उसका इवेल्यूशन पहले हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 + 3 × 4 exponent 5 इस तरह का मेरे पास एक डिराइवेशन ट्री हमें बनाना है, इसके लिए तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेट्स से ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी के लिए हमने बनाया, देन ये जो टी है इसको हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं, टी इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड विद एफ लेट्स से, देन एक्सपोनेंट मेरे पास है सो दिस इज एफ प्रोड्यूसेस लेट्स से जी एक्सपोनेंट एफ कर देते हैं
एंड देन उसके बाद हम सिंबल्स लेके आते हैं या जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि ई प्रोड्यूसेस, या एक काम करते हैं, वैसे ये जो हमने एक्सपेंशन कर दिया वो राइट मोस्ट डेराइवेशन के फॉर्म में कर दिया, कोई बात नहीं, इसको लेफ्ट मोस्ट डेराइवेशन के फॉर्म में भी कर देंगे। सो चलिए राइट मोस्ट डेराइवेशन हम कंटिन्यू रखते हैं। सो एफ प्रोड्यूसेस एन एंड एन प्रोड्यूसेस लेट से फाइव। सिमिलरली ये जी के लिए हम कहेंगे जी प्रोड्यूसेस एन, सॉरी एक एक हमें और सिंबल, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज ओनली जी, दिस एन की जगह हम इसको जी कह सकते हैं, इसको नया सिंबल एन बनाने की जरूरत नहीं है। तो एफ प्रोड्यूसेस जी एंड जी प्रोड्यूसेस फाइव। सिमिलरली जी प्रोड्यूसेस फोर हम यहाँ पे कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद ये ट्री प्रोड्यूसेस ई प्रोड्यूसेस एफ, एंड एफ प्रोड्यूसेस जी, एंड फाइनली जी प्रोड्यूसेस थ्री। एंड देन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में ये वाला जो है ई प्रोड्यूसेस टी, टी प्रोड्यूसेस एफ, एफ प्रोड्यूसेस जी, एंड देन फाइनली जी प्रोड्यूसेस, लेट्स से जी प्रोड्यूसेस टू। सो इस तरह से आपने देखा ये एक्सप्रेशन ट्री हमारा सही बना, और लोएस्ट लेवल में जो जिसका रेजोल्यूशन हो रहा है वो है एक्सपोनेंट। आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट का लोएस्ट लेवल में हो रहा है, उसके ऊपर के लेवल में प्लस का मल्टीप्लिकेशन का, और उसके लेवल ऊपर के लेवल में प्लस का। आइए इसके लिए हम लोग लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन ट्री भी बना लेते हैं इसी ग्रामर के अकॉर्डिंग। अभी हम लोगों ने केवल राइट मोस्ट डिराइवेशन बनाया था, लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन बना लेते हैं। सो लेफ्ट मोस्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी से, एंड देन वी से ई प्रोड्यूसेस टी, देन टी प्रोड्यूसेस एफ, एंड देन एफ प्रोड्यूसेस जी, एंड जी प्रोड्यूसेस टू। रिजॉल्व के लिए हमने इस टी को हम फर्दर एक्सपैंड करते हैं, लेट्स से दिस इज टी इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाइड विद एफ, लेट्स से टी प्रोड्यूसेस एफ, एंड दिस एफ प्रोड्यूसेस जी, एंड दिस प्रोड्यूसेस थ्री। इस एफ को फर्दर एक्सपैंड करते हैं, दिस इज एफ प्रोड्यूसेस जी एक्सपोनेंट एफ, लेट्स से जी प्रोड्यूसेस फोर, एंड देन एफ प्रोड्यूसेस जी, एंड जी प्रोड्यूसेस लेट्स से फाइव। सो इस तरह से हमने लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन कर लिया। सो इन द लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन ऑल्सो यू कैन सी दैट टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड विथ फोर रेज टू द पावर फाइव, हमने लेफ्ट मोस्ट डिराइवेशन इसका कर लिया। और आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट है उसका रेजोल्यूशन हुआ है, या उसका जो एक्सपेंशन हुआ है, या जो उसको हम कवर कर रहे हैं सबसे लोएस्ट लेवल में कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन का उसके ऊपर के लेवल में है, एक्सपोनेंट इस लेवल में हुआ, मल्टीप्लीकेशन इस लेवल में, और प्लस हमने और उसके भी ऊपर के लेवल में हमने इसको रिजॉल्व किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गिवन ग्रामर था उसको हमने अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया है। सो अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्जन के लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना है। एक ये ध्यान देना है कि जो हम जिस जिस सिंबल को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, या जिसकी एम्बिगिटी को हम रिमूव कर रहे हैं, उसमें हमें एसोसिएटिविटी चेक करना पड़ेगा, और दूसरा हमें प्रेसिडेंस भी चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमें ग्रामर को बनाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द नेगेटिव एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।